अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है, इसका नाम है डेंजर डेक, बट इसेंशियली इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट, सो नो नीड टू वरी। पहले महविश आपसे शुरू करें या रमशा आपसे, आप लोग बताएं। महविश से शुरू करें। ठीक है, महविश से शुरू करते हैं। पहला सवाल, शादी करते हुए कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो कि ख्वातीन को अपने जहन में रखनी चाहिए? एक तो ये कि उनके पास अपना कोई स्किल हो, काम हो, दे नीड टू बी अकम्प्लिश्ड इन देयर ओन राइट। मतलब कोडिपेंडेंसी में कोई बुराई नहीं है, बट आई थिंक आप एक अलग माइंडसेट से चलते हैं जब आपको ये पता हो कि आप रिलाई नहीं कर रहे किसी पे, आपके पास अपनी भी, यूर रिसोर्सफुल योर सेल्फ, एक ये चीज़। दूसरा ये कि ये देखना ज़रूरी है कि जो जिससे आप शादी कर रहे हैं, आप उनके फैमिली को रिस्पेक्ट दो, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो भी आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझें। क्योंकि जब लड़की शादी करके जाती है, उसका घर है, ससुराल है, लेकिन उस लड़के का भी तो वो ससुराल है जहाँ से वो आ रही है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्पेक्ट करता हो आपकी फैमिली को और अपनी फैमिली समझे। दूसरा ये है कि आप जब जा रहे हैं घर दूसरे, तो मेक श्योर दैट यू ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट योर ओन फैमिली। ठीक है, ऑल थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। सेट पर किस तरह के लोगों से आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है? जो काम को सीरियस ना ले रहे हो, प्रोफेशनली ना बिहेव कर रहे हो, और हर वक्त या तो फोन पे लगे हुए हैं या पिक्चर्स, वीडियो, सेल्फी, मतलब जिस काम के लिए आए उस पे अटेंशन होना जरूरी है, और जब नहीं होती तो दैट बॉदर्स मी। इंटरनेशनल सेट पे भी होता है ऐसे कि सेल्फी पहले जरा ले ले? यू आर नॉट इवन अलाउड सेल फोन्स ऑन द सेट। अच्छा, या सुनो दुनिया वालों ये हमारे ड्रामों की तो BTS पूरी पूरी रिलीज हो जाती है, पता लग जाता किस्तों में क्या होने लगा आगे। नहीं, वी हैड लाइक 2000 सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स जो पार्टीशन, प्री पार्टीशन वाले पूरा क्राउड था मार्वल पे, तो दे यूज टू सबमिट देयर फोन्स बिफोर चेंजिंग, एंड सबके पास एक, हाँ, इवन जो ADs होते थे उनके फोन के ऊपर और पीछे टेप्स लगे होते थे कैमरास के ऊपर फोन के, कहीं से कोई चीज भी लीक नहीं हो सकती, दे कांट अफोर्ड टू डू दैट। That level of professionalism, guys. अच्छा जी, कभी आपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बोल के अपना रोल बढ़वा लिया हो या कम करवा लिया हो, ऐसा वक्त आया कभी आप पे? कभी भी नहीं, बट मेरा हमेशा एक्सटेंसिव डिस्कशन होता है विद द डायरेक्टर व्हेन आई एम रीडिंग अ स्क्रिप्ट, और फिर फीडबैक देती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई अगर ये कैरेक्टर ऐसा कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, या इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, या मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ये तो इसको ये करना चाहिए, व्हाई इज शी डूइंग दिस। तो वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है सेट पे जाने से पहले, ये सारी पहले हो जाता है। और फिर जहाँ कुछ चेंजेस करनी होती है, आई वर्क विद नदीम, नबील, एंड ऑल दीज पीपल आर वेरी गुड विद फीडबैक। इवन मिस मार्वल में भी मैं और फवाद बैठ के जब रीडिंग सेशन होते थे, हम उसमें अपना फीडबैक देते थे, एंड दे यूज टू रिस्पेक्ट दैट, एंड दे यूज टू टेक क्यूज फ्रॉम दैट, एंड डू समथिंग व्हिच इज मोर यूनानिमस एंड टुगेदर। सो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डिस्कशन एंड चेंजेस। ओके, आपकी कौन सी एक आदत है आपकी अपनी जो आप चेंज करना चाहती हैं? हाँ, मेरी एक आदत ये है कि मैं, एक नहीं बहुत सारी आदतें हैं। अच्छा ठीक है, सारी बता, पांच तो बताएं मैं भी। नहीं, अच्छा तीन बताएं। यार मेरी आदत एज सच, मैं थोड़ी सी ना डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ अपने रूम को समेट के रखने में, लाइक मैं अपनी I really want to be organized when it comes to keeping my room clean and अपनी चीज़ें जगह पे। Most of the time तो मैं I'm living out of suitcases, travel in, travel out, तो वो एक दो महीने गुजर जाते हैं, मेरा सूटकेस बंद है, उसमें चीज़ें हैं, वो निकाल के रखने हैं, चीज़ें सेट करनी है, मुझसे नहीं होता, एंड आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू दैट। तो ये मेरी, आई वॉन्ट चेंज दिस। ठीक है, अपने बारे में कौन सा ऐसा र्यूमर या कॉन्ट्रोवर्सी आपने सुनी है जो सुन के आपकी हंसी निकल गई? बहुत सारी होती हैं ऐसी तो बहुत सारी होती हैं, बट कोई रीसेंट या कोई आपको याद आ रही हो? अभी कोई रीसेंट थी, कोई लाहौर के कोई जर्नलिस्ट थे जो स्पीच दे रहे थे कहीं पे खड़े होके, जर्नलिस्ट थे या कौन थे, और कह रहे थे कि दो लोग पैसों का बैग लेके ढूंढ रहे थे मुझे और फवाद खान को, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कहाँ है वो, और कराची में थे और पैसे लेके घूम रहे थे और आए नहीं, हमारे तक पहुंचे नहीं वो, क्यों ढूंढ रहे थे वो काम करना, कास्ट करने के लिए यार, क्या आपको कास्ट करने के लिए बैग चाहिए पैसों के? इसी बात पे तो हंसी आ रही थी मुझे, कैश ओनली, कैश ओनली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच महविश, आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए। रमशा आपकी टर्न। अच्छा जी, क्योंकि ईद है और ईद पे जाहिर है दोस्त आते हैं सारे, तो इंडस्ट्री के किस आप ऐसे दोस्त को बुलाना चाहेंगी दावत पे जिसे आपको पता है कि सारी गॉसिप मिल जाएगी?
ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं हूँ वो दोस्त मैं हूँ वो दोस्त और कोई भी नहीं वैसे मैं शायद जाऊँगी मैं इन्फॉर्मेशन आपके पास है इन्फॉर्मेशन सारी पक्की बात है ठीक है भाई तो रमशा को प्लीज़ आप अपनी ईद की दावतों पे बुलाएं अच्छा सोशल मीडिया का एक फ़ायदा और एक नुकसान फ़ायदा ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छा भी फील करते हैं और नुकसान ये है कि आप सोशल मीडिया ही आपको बुरा फील करा सकता है मतलब यू नो एंग्जाइटी और वो सब चीज़ें ठीक है इन एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को क्या मशवरा आप देना चाहेंगे ये आपके मैंने देखा ये मशवरे वाले लेकिन दोस्त से सारे आपके अच्छा सही कुबरा खान को कोई मशवरा दें आप कुबरा को मैं ये कहूँगी कि मैं ये मशवरा दूंगी कि स्टे द वे यू आर या नेवर चेंज ओके अब आप यमुना जैदी को भी क्या यही मशवरा देंगे मैं यमुना को क्या मशवरे की जरूरत है माशाल्लाह शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग मैं ये कहूँगी यमुना को कि यमुना आप थोड़ा सा एक आदत मिल भी लिया करें फोन पे बातें करते रहते हैं सायरा यूसुफ को क्या मशवरा देंगे आप सायरा यूसुफ को मैं कहूंगी आई वांट टू सी मोर ऑफ हर शी इज सच आई वर्क्ड विद हर इन सिनफियाहान शी हैज एक तो एक बहुत ही मजे की वाइब है बहुत पॉजिटिव है वो एंड एक्टर अच्छी है वो तो आई वांट टू सी लाइक एंड आई वांट पीपल टू सी मोर ऑफ दैट ठीक है सज्जल अली को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप उनको क्या मशवरा देंगे यार एज फ्रेंड्स एज कॉलीग्स शी इज गुड इन एवरीथिंग माशाल्लाह से I think she stay the way you are, honestly. Stay. Yeah, ये बहुत अच्छा मशवरा है because she's got a really nice strong personality. ठीक है. अच्छा इंडस्ट्री में कौन काम कम और बातें ज़्यादा करता है? रमशा ये मैं हूँ. ठीक है. ये कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनसे काम जिनके साथ काम करने से तीन बार पहले सोचेंगी आप यार के? मैं क्यों बोलूंगी मैं नाम क्यों बोलूंगी इन अ गुड वे आल्सो के यार के यार बड़ा इनके साथ काम करने का बड़ा प्रेशर भी हो सकता है बड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है नहीं इन अ गुड वे आल्सो यू कैन एक्चुअली नोबडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा है और देयर इज नोबडी ठीक है वेल डन रमशा और महवेश आप लोगों ने बहुत जवाब